गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम हिंदी ग्रामर, रिवीजन करेंगे आज। पहले हम ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हिंदी लेसन में जितने मतलब जितने भी लेसन्स हैं उसमें से इकाई फर्स्ट से जो है दो लेसन रिजेक्ट हुआ है और दो लेसन जो है इकाई टू से, तो उसको मैं बता रही हूँ। आप लोग पहले उसको लिख लो कि कौन कौन सा हमें नहीं पढ़ना है, इस सिलेबस से क्या है। इस सिलेबस जो हिंदी का सिलेबस है उसमें से दो लेसन रिजेक्ट हुए हैं, इकाई वन से और इकाई टू से दो लेसन। तो वह लेसन है लेसन नंबर 6, मेरा अहोभाग्य, ये नहीं पढ़ना है हम लोगों को। और 7वां है लेसन नंबर 7 है नदी कंधे पर, ये दो लेसन नहीं पढ़ना है आप लोगों को। इकाई 2 से है कठपुतली, यानी तीसरा लेसन कठपुतली भी नहीं है। और 7वां लेसन 7 नंबर पर है कागज़ की थैली, ये हमें नहीं पढ़ना है आप लोगों को, नहीं पढ़ना है आप लोगों के सिलेबस से, इसको हटा दिया गया है। और बाकी के जो भी हैं लेसन सबको पढ़ना है, ओके। तो अब हम देखेंगे रिवीजन, आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन में जो है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण चुनकर उनके भेद लिखिए। मैंने आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़ा दी हूँ, आज उसका रिवीजन ले रही हूँ। आप लोग रिवीजन करो। फर्स्ट पर है ताजमहल सुंदर इमारत है, इसमें ताजमहल क्या है? ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर जो है इमारत जो है जातिवाचक संज्ञा है, और सुंदर क्या है? विशेषण है, ठीक। गुणवाचक विशेषण है। अध्यापक ने, अब दूसरा देखेंगे, अध्यापक ने 50 पुस्तकें खरीदी, अध्यापक ने 50 पुस्तकें खरीदी। अध्यापक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तकें क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और क्या है? 50 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, 50 जो है। तीसरा है मोहन पाठशाला जाता है, मोहन क्या करता है? पाठशाला जाता है, तो मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संख्या। पाठशाला क्या होगा? जातिवाचक संख्या। 4 पे है गाय मीठा दूध देती है, तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, और मीठा जो है क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गोपाल के पास 50 क्या है? किताबें हैं। गोपाल के पास 50 किताबें हैं, तो गोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किताबें क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। और 50 क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 6वें नंबर पर है मैं हरा चित्र देखता हूँ, मैं क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक विशेषण होगा। मैं बताई थी ना आप लोगों को कि मैं और तुम और उसे उसका, जो मैं उत्तम पुरुष में आता है और तुम मध्यम पुरुष में और उसका उसके जो है अन्य पुरुष में, तीन पुरुष बताई थी ना सर्वनाम में, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं बताई थी। तो क्या है? मैं उत्तम पुरुषवाचक है, और चित्र जो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और ये क्या दिया है? चित्र देखता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक, चित्र जो है जातिवाचक संज्ञा। भारत के जवान बहादुर हैं, भारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जवान क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अरे नहीं, जवान मिस होता है,
समूह, समूहवाचक संज्ञा और बहादुर में गुणवाचक, यानी उनकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कक्षा में एक श्यामपट है, कक्षा में एक श्यामपट है, तो कक्षा क्या है जातिवाचक संज्ञा और एक श्यामपट, श्यामपट भी क्या है जातिवाचक संख्या है, और एक जो होगा एक क्या हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक क्या होगा विशेषण हो जाएगा। तो आपका ये रिवीजन भी आज मैं करा दी, और जितने भी बच्चों इसमें मैंने सिखाया है लेसन्स उसको अच्छे से आप लोग उसकी तैयारी करो, रिवीजन करो। और अभी मैं तीन सितंबर को आपका टेस्ट रखी हूँ, टेस्ट लूँगी मैं आप लोगों का। और मैं आप लोगों को कंपोजिशन से दे रही हूँ, पत्र लेखन ये होमवर्क है आप लोग करना, करके व्हाट्सएप करना, पत्र लेखन है। व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मित्र को पत्र लिखो, पत्र लिखना है व्यायाम पर, व्यायाम के महत्व को जो है बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। कहानी लेखन है बंदर और बिल्लियाँ, और निबंध लेखन है हिमालय, हिमालय पर आपको निबंध लिखना है। कहानी है बंदर और बिल्ली का, और पत्र लेखन है व्यायाम। आपको लिख करके हमें मेरे नंबर पे सेंड करिएगा, ओके। और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए। थैंक्स।